नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर टीआर नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, हमारा जो टॉपिक था मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद, तो ये टॉपिक पूर्ण रूप से वैसे है जो कि कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अन्य के रूप में एक पार्ट हम और लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। 10 नंबर पार्ट यानी ये 10वां वीडियो हमारा 10वीं क्लास रहेगी इसके बारे में, जिसमें टॉपिक से रिलेटेड जो बातें है नहीं लेकिन आपको जानने के लिए है जो कि ज़रूरी है, जैसे मंत्रिपरिषद की संरचना किस प्रकार की होती है ये भी बात करेंगे, और मेन एक इसी के अंदर ही है उप मुख्यमंत्री। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपको सिलेबस के अंदर देखने को मिले। उप मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे कि राजस्थान में अब तक कितने उप मुख्यमंत्री रहे हैं, कौन सा उप मुख्यमंत्री किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में रहा है और उसका क्या कितना कार्यकाल रहा है, ये भी हम बात करने वाले हैं, और कौन सा उप मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल सबसे अधिक था, किसका सबसे कम था, और उनकी जो विशेष बातें हैं वो हम बात करने वाले हैं। और बिल्कुल ये 10वां जो पार्ट है ये आपके मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद का ही भाग है, ये अलग नहीं है, समझ रहे हो। तो ये 10वां पार्ट भी आपको मिस नहीं करना है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं, यानी उप मुख्यमंत्री पढ़ेंगे आज के सेशन में, ठीक है, और बाकी उसके बाद में क्लास में अगर टाइम बचेगा तो हम मैं आपको मंत्रिपरिषद की संरचना बताऊंगा। वैसे मैंने हर पार्ट के अंदर समझाने के रूप में आपको मंत्रिपरिषद की संरचना आपको बताई है। संरचना का मतलब मंत्रिपरिषद का आकार किस प्रकार से होता है, और एक में आपको ये भी हम बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर विधायक का वेतन कितना होता है, मुख्यमंत्री का वेतन कितना होता है, और ये भी हम लिखेंगे कैबिनेट मंत्री का वेतन कितना होता है, संसदीय सचिव का वेतन कितना होता है, ठीक है, राज्य मंत्री का वेतन कितना होता है, उप मंत्री का वेतन कितना होता है, ये सब भी हम लोग हैं जो कि बात करेंगे, ठीक है। चलो हेडिंग लगाओ आप उप मुख्यमंत्री, क्या पढ़ेंगे, उप मुख्यमंत्री। राजस्थान में सर्वाधिक उप मुख्यमंत्री जो रहे हैं वो गहलोत के समय में रहे हैं, किसके समय में रहे हैं, गहलोत के समय में। और अगर बात करें तो राजस्थान में अब तक 7 उप मुख्यमंत्री रहे हैं, कितने उप मुख्यमंत्री रहे हैं जिसमें 2 महिलाएं हैं, कितने रहे हैं, 7 उप मुख्यमंत्री रहे हैं जिसमें से 2 महिलाएं हैं। और अगर बात करें तो अशोक गहलोत के समय में कितने रहे हैं, गहलोत के समय में 3 गहलोत के समय में रहे हैं, और एक जयनारायण व्यास जो फर्स्ट में उसके समय में रहा था, टीकाराम पालीवाल एकमात्र ऐसा उप मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बनने के बाद में उप मुख्यमंत्री बनता है वो था टीकाराम पालीवाल। और फिर भैरू सिंह शेखावत के समय में और वर्तमान में भजन लाल जी के समय में कितने उप मुख्यमंत्री हैं, 16 विधानसभा वर्तमान 2 उप मुख्यमंत्री है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं, क्या उप मुख्यमंत्री एक संवैधानिक प्रावधान संवैधानिक हम कह सकते हैं पद है या फिर नहीं, मुख्यमंत्री का जो पद है वह संवैधानिक नहीं होता है, वह असंवैधानिक। संवैधानिक का मतलब ये होता है जिसका संविधान के अंदर उल्लेख देखने को मिलता है वह संवैधानिक कहलाता है, और जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं मिलता है, जिसका संविधान में कोई जिक्र नहीं किया गया है वह असंवैधानिक कहलाता है, या गैर संवैधानिक कह सकते हैं या सांविधिक कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पद जो है गैर संवैधानिक पद है, ऐसे लिख दो, ये असंवैधानिक पद है, यह एक असंवैधानिक पद है, असंवैधानिक पद है, यानी कोष्ट में लिख दो जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, उल्लेख नहीं है, कोष्टक बंद। अब बात करते हैं, एक सारणी जैसे बनाना आपको, और एक बात बताओ कि कल वैसे हम लोगों ने बात की थी उप मुख्यमंत्री का पद अगर जो संवैधानिक पद होता है तो उसका शपथ का प्रारूप अनुच्छेद के अंदर दिया जाता है कि
जो मुख्यमंत्री है वो किस प्रकार से शपथ लेगा, राज्यपाल जो है किस प्रकार से शपथ लेगा, राष्ट्रपति किस प्रकार से शपथ लेगा, इन सब का प्रधानमंत्री जैसे ना, तो इनके बारे में क्या है जो संवैधानिक होता है, जो संवैधानिक पद उनका संविधान के अंदर उल्लेख देखने को मिलता है, कोई ना कोई हम कह सकते हैं जैसे अनुसूची या आर्टिकल, ठीक है। राज्यपाल की दो शपथ का जो प्रारूप है वो अनुसूची में न होकर के 159 आर्टिकल में देखने को मिलता है, बाकी का 3 अनुसूची के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या था, अब ये संवैधानिक नहीं है तो क्या होगा, संवैधानिक नहीं है तो इसका संविधान में कोई प्रारूप भी नहीं है कि किस प्रकार से शपथ लेगा। तो अब हम बात कर सकते हैं कि ये जो उप मुख्यमंत्री बनते हैं ये शपथ लेते हैं मंत्री पद की, किसकी शपथ लेते हैं, ये मंत्री पद की शपथ लेते हैं और बनते क्या है उप मुख्यमंत्री, ये बात लिखो आप, ये है, ये ऐसे लिख दो, ये उप मंत्री, ये मंत्री पद की शपथ लेते हैं, ये मंत्री पद की शपथ लेते हैं, शपथ किसके लेते हैं मंत्री पद की, तो कहने का मतलब ये एक तरह से मंत्री होते हैं, इनके पास में कोई कुछ नहीं है, पावर वगैरह नहीं होते कि ये मुख्यमंत्री है, ठीक है ना, केवल थोड़ा सा नाम बड़ा के है, ये भी इसी के काम के है, लेकिन इतना जरूर है कि इन 7 के अंदर लिखना पड़ रहा है, थोड़ा सा अलग से इनको पढ़ना पड़ रहा है, बाकी मंत्रियों का नाम यहाँ पे आया नहीं है, और जो उप मुख्यमंत्री अगर बनाया गया तो उनका नाम हमको पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। अब लिखिए आप मुख्यमंत्री, यहाँ पे उप मुख्यमंत्री और उनका कार्यकाल, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और कार्यकाल, मुख्यमंत्री यहाँ पे लिखेंगे उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कार्यकाल, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले राजस्थान का जो निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया था जय नारायण व्यास को, सॉरी सबसे पहले बनाया गया था टिक्करा पालीवाल को, दूसरा था जय नारायण व्यास, तो लिखो जय नारायण व्यास के समय में, नंबर लगा दो यहाँ पे 1 नंबर, जय नारायण व्यास के समय में किसको बनाया गया था उप मुख्यमंत्री, टिक्काराम पालीवाल को राजस्थान का पहला निर्वाचित जो मुख्यमंत्री है वो कौन था, टिक्काराम पालीवाल, क्योंकि जब मुख्यमंत्री व्यास बनने वाले थे तो व्यास से चुनाव हार गए थे, पहली विधानसभा 1952 के अंदर जो पहली विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो उस टाइम हुआ क्या था कि ये हार गए थे, लेकिन ये दो जगह से इन्होंने चुनाव लड़ा था, दोनों जगह से जीत गए थे, और ये दो जगह से चुनाव लड़ा लेकिन दोनों जगह से हार गए, फिर क्या है कि टिक्करम पालीवाल को 6 महीने के लिए यानी कुछ टाइम के लिए है जो कि इनको मुख्यमंत्री बनाया गया, ठीक है। तो ऐसे उप मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री के बाद में उप मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, ये वापस से चुनाव उपचुनाव करवा के जीत करके आते हैं और इनको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं और आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, ऐसे उप मुख्यमंत्री, ऐसे लिखो ऐसे उप मुख्यमंत्री, ऐसा कोई मुख्यमंत्री है क्या जो उप मुख्यमंत्री रहा है सिवाय इनके, यानी नीचे की पोस्ट पे कोई है, तरक्की करते लोग ऊपर जाते, ऐसे उप मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री के बाद रहे, मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे,
ये बात याद रखना आप अच्छे से। ऐसे उप मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री के बाद में उप मुख्यमंत्री रहे, एकमात्र लिख सकते हो, ऐसे लिख दो, एकमात्र लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। एकमात्र ये, एकमात्र ऐसे उप मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बनने के बाद में उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कार्यकाल की बात करें तो जयनारायण व्यास का कार्यकाल कितना चला था, 1952 से 1952 से 1954 तक, क्योंकि इस टाइम क्या हुआ था, विपक्ष जो पार्टी है पार्टी के जो नेता है वो उन्होंने है जो कि विद्रोह कर दिया विधानसभा में, और उनको शांत करने के लिए यानी कि भाई ये सीएम ठीक नहीं है जो भी, तो फिर नेहरू सरकार उस टाइम केंद्र में थी तो उन्होंने एक व्यक्ति को भेजा था कि विधानसभा में एक नेता चुनने के लिए, विधानसभा का नेता, सदन का नेता चुनने के लिए बलवंत राय मेहता को भेजा। उन्होंने आकर के है जो कि जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया के पक्ष में हम कह सकते हैं दोनों को रेस में खड़ा करते हैं, और विधानसभा में जो मौजूद सदस्य हैं उनसे है जो कि मत करवाया जाता है, जिसमें जयनारायण व्यास को है जो कि 51 मत मिलते हैं और 59 मत मिलते हैं मोहनलाल सुखाड़िया को। तो इन्होंने फिर त्यागपत्र दे दिया 54 में और मोहनलाल सुखाड़िया को राजस्थान का सीएम बनाया गया। ठीक, तो ये बात इसमें लिख लो कि टीकाराम पालीवाल उप मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बाद में बने थे। ठीक है, कार्यकाल इसका रहा था किनका, अब इसमें इनका कार्यकाल नहीं माना जाता, ये इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये कार्यकाल हालांकि दोनों का सेम था, क्योंकि कई बार होता क्या है कि जैसे गहलोत के समय में सचिन पायलट ने भी इस्तीफा दे दिया था अपने पद, मंत्री पद से, उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, है ना, बीच में दे दिया था, इसलिए इनका कार्यकाल मुख्यमंत्री, यहाँ पे मुख्यमंत्री लिखेंगे अशोक गहलोत, उनका कार्यकाल ज़्यादा रहेगा। लेकिन ये कार्यकाल किसका है, ये उप मुख्यमंत्री कार्यकाल की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि इनका तो दोनों का सेम ही था, साथ में दोनों चले गए थे। फिर 54 में बनाया जाता है मोहनलाल सुखाड़िया को, लिख दो यहाँ तक। फिर दो नंबर लगा के लिखो भैरू सिंह शेखावत, भैरू सिंह शेखावत के समय में एक व्यक्ति था बाबड़ा उप मुख्यमंत्री, लिखो यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन था, भैरू सिंह शेखावत, दो नंबर लिखो। भैरू सिंह शेखावत इनका कार्यकाल था 93 से 98 वाले कार्यकाल की बात करें, 98 के बाद में अशोक गहलोत बनता है, और भैरू सिंह शेखावत में इसमें था हरिशंकर बाबड़ा जो विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा था और सर्वाधिक अवधि वाले उप मुख्यमंत्री जो कि गैर कांग्रेस सरकार के, गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री थे। कैसे उप मुख्यमंत्री थे, गैर कांग्रेसी नेता थे, लिखो हरिशंकर बाबड़ा उप मुख्यमंत्री। कौन था, हरिशंकर बाबड़ा, कार्यकाल बात करें तो 1993 से, ये शायद भैरू सिंह का तीसरा कार्यकाल था ना, 93 से 98, 1998 इनके बाद में भैरू सिंह का नंबर नहीं लगा, है ना, भैरू सिंह का। तो इनका लिखो विधानसभा के अध्यक्ष रहे, विधानसभा के अध्यक्ष, रहे सर्वाधिक अवधि वाले, सर्वाधिक अवधि तक
ऐसे लिख दो सीधा, सर्वाधिक कार्यकाल या सर्वाधिक अवधि वाले उप मुख्यमंत्री, सर्वाधिक अवधि वाले उप मुख्यमंत्री। एक बात और लिख दो यहाँ पे, विपक्षी गैर कांग्रेसी नेता, गैर कांग्रेसी नेता, पहले पहले गैर कांग्रेसी नेता के रूप में उप मुख्यमंत्री कौन चुने जाते हैं? हरिशंकर लिखो, पहले गैर कांग्रेसी नेता। पहले गैर कांग्रेसी नेता लिख दिया। अब लिखो तीसरा, अब किसका नंबर लगता है इनके बाद में, किनका लग जाता है? गहलोत का। लिखो तीन नंबर लगा के अशोक गहलोत, इनके समय में बनता है। अशोक गहलोत कौन बनता है? बनवारीलाल बेरवा, बनवारीलाल बेरवा। क्या कार्यकाल रहता है इनका? 2002 से 2003, कार्यकाल 2002 से 2003, 2002 से 2003 तक। और 2003 में कुछ समय के लिए एक उप मुख्यमंत्री इनकी रहती है, कमला बेनीवाल, जो पहली महिला उप मुख्यमंत्री है, सबसे कम कार्यकाल वाली उप मुख्यमंत्री कहलाती है, जो भी 2003 में इन्हीं कुछ समय के लिए रही थी। क्यों कुछ समय के लिए क्यों रही थी? क्योंकि 2003 में फिर क्या हो जाता है, सीएम का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है और फिर नई विधानसभा का चुनाव होता है, समझ रहे हो? यानी विधानसभा का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है। फिर 3 से 8 तक कौन रहा था सीएम? कौन रहा था? राजस्थान का वसुंधरा राज, है ना? वसुंधरा ने कभी कोई सीएम उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, डिप्टी सीएम। यहीं पे वापस लिखो अशोक गहलोत, उसी कार्यकाल के दौरान, है ना? अशोक गहलोत, कमला बेनीवाल, आगे ना, ये इनके कार्यकाल में, ये इनके कार्यकाल में, और ये इनका कार्यकाल, इनका कार्यकाल। इसमें लिख दो 2003 से 2003, केवल 2003 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, केवल 2003 में रही थी, फिर विधानसभा का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है। चार हो गए, फिर पांचवा लिखो अशोक गहलोत के समय, छठा फिर लिखना आपको भजनलाल, और सातवा भी भजनलाल के रूप समय लिखो, पांचवा अशोक गहलोत। अशोक गहलोत के साथ। अच्छा, हमने एक चीज नहीं लिखी है उनके बारे में, कमला बेनी के बारे में कुछ बातें लिखनी है। इनको यहां से हटा रहा हूं ना, वहां पे लिखते हैं 4 नंबर को, ठीक है? 4 नंबर यहां पे लिखते हैं अशोक गहलोत के समय में, कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल 2003 से 2003, ठीक है? इनका लिखो, राजस्थान की पहली महिला मंत्री, राजस्थान की पहली, दूसरी कौन बनती है? दिया कुमारी, जो वर्तमान में पहली महिला उप मुख्यमंत्री, सबसे कम कार्यकाल वाली उप मुख्यमंत्री, पहली महिला उप मुख्यमंत्री, पहली
महिला उप मुख्यमंत्री। सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। सबसे कम कार्यकाल वाले उप मुख्यमंत्री। ठीक है, इसमें अब इतना ही लिखना है। अब लगाओ 5 नंबर अशोक गहलोत। एक अशोक गहलोत का लिखो इसमें। ये किस कार्यकाल के अंदर है? ये 18 से 20 वाले में। सचिन पायलट। सचिन पायलट अभी था ना। पंद्रहवीं विधानसभा में 18 से 23 तक उनका कार्यकाल था, लेकिन 20 में सचिन पायलट ने इस्तीफा दे दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि उनको डिप्टी सीएम बना रखा था, कोई बजट देता नहीं था। बजट अब जही नहीं मिले ऐसे उनको पद से करना क्या था। वो बोला कि हमें लोग बोलते हैं कि आप उप मुख्यमंत्री हो, काम कुछ करवाए नहीं आपने। अब वो करवाए कहाँ से, उनको कोई कुछ सौंपता ही नहीं है। इसलिए उसने सोचा कि भाई इन बातों से, इन तानों से तो अच्छा है कि मैं इस्तीफा दे दूं। तो उन्होंने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। लिख दो सचिन पायलट 2018 से 20 तक कार्यकाल रहा था। सचिन पायलट। सचिन पायलट 2018 से 2020। और इसमें लिख दो अशोक गहलोत के अंदर लिखो कि सर्वाधिक, सबसे अधिक उप मुख्यमंत्री रखने वाला व्यक्ति, सर्वाधिक उप मुख्यमंत्री, सर्वाधिक उप मुख्यमंत्री रखने वाले मुख्यमंत्री, सर्वाधिक उप मुख्यमंत्री, सर्वाधिक उप मुख्यमंत्री गहलोत के समय रहे, गहलोत के समय में रहे हैं। कितने रहे? 3 रहेंगे। पायलट हो गया, कमला बेनीवाल हो गया, और एक वो बेरवा। लिख दिया। अब लिखो आप 16 विधानसभा की बात करते हैं। छठा प्रेमचंद बेरवा। भजन लाल जी का नाम आ गया भाई। अब छठा भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा। सातवां भी कौन होगा? भजन लाल शर्मा। अब ये थोड़ा वर्तमान में है, 16 विधानसभा के रूप में है, तो इनका थोड़ा सा क्या डीपली इनको थोड़ा सा पढ़ना हमें आएगा। यहाँ पे दिया कुमारी और एक लिख दो यहाँ पे प्रेमचंद बेरवा। प्रेमचंद उनका, प्रेमचंद बेरवा। कार्यकाल तो लिखना क्या है? 2023 से लिख दो कार्यकाल में। लिख दो 2023 से। दो हजार तेईस से ठीक है। वर्तमान 2023 से वर्तमान मानो। और इनको वैसे ऊपर नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले शपथ किसने ली थी? दिया कुमारी ने। इसमें कोई नंबर आपको रैंक नहीं पूछेगा कि किसने ली थी।
तो रियल में अगर बात करें तो वित्त मंत्रालय किसके पास में है? दिया कुमारी के पास में ना। तो आप इनको उल्टा सुल्टा भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इनको यहाँ पे कर सकते हैं 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर लिखना चाहो, चलो चेंज करो, आप यहाँ पे थोड़ा सी लिख दो, यहाँ पे दिया कुमारी लिख दो, दिया कुमारी, और यहाँ पे लिख दो प्रेमचंद। बेरवा, दिक्कत नहीं, आप ऊपर नीचे लिखो था ना, प्रेमचंद बेरवा। अब लिख दो ये कहाँ से विधायक रहे हैं? दूध से विधायक बने हैं, बने हैं, क्योंकि ये करंट में है, इसलिए बता देता हूँ, अपन लिख लेते हैं, पूछ सकते हैं इनका, क्योंकि उप मुख्यमंत्री को ज़्यादातर नहीं, 7 उप मुख्यमंत्री, तो उसमें एक दो बात तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। और ये जो है दिया कुमारी, इसके अंदर दो तीन लाइन आपको लिखनी है। दिया कुमारी जो कि दूसरी महिला डिप्टी सीएम है, पहले कमला बेनीवाल जो कि किसके समय में, 2003 में थी, अशोक गहलोत के समय में। और विधायक कहाँ से बनी है ये दूसरी जो महिला उप मुख्यमंत्री, ये विद्याधर नगर से बनी है। कहाँ से? विद्याधर नगर से। जन्म इसका कहाँ पे हुआ है? बाड़मेर। लिख दो इसके बारे में, दिया कुमारी दूसरी महिला उप मुख्यमंत्री, दूसरी महिला मुख्यमंत्री। विधायक विद्याधर नगर से, और क्या लिखेंगे? जन्म बाड़मेर में, जन्म बाड़मेर में, बस ये इनके बारे में लिख दो। और क्या हो जाता है? अब एक लाइन और लिख लो नीचे, नोट लगा के लिखो, या फिर अब तक राजस्थान में 7 उप मुख्यमंत्री रहे हैं, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 3 गैर कांग्रेसी रही हैं। गैर कांग्रेस का मतलब कि जो कांग्रेसी नहीं थे। अब बताओ वो 3 कौन-कौन से हैं? एक तो हो गया भैरव सिंह शेखावत के साथ में था, कौन था? हरिशंकर बाबड़ा। और 2 हो गए ये भी गैर कांग्रेसी है ना, यानी कांग्रेस सरकार के नहीं, तो वो गैर कांग्रेसी कहलाए, अब वो किसी पार्टी के हो चाहे। ठीक है, अब लिखो इसमें अब तक 7 उप मुख्यमंत्री रहे। कितने रहे? 7 उप मुख्यमंत्री रहे, जिनमें 2 महिलाएं, 2 महिलाएं हैं, 3 गैर कांग्रेसी, 3 गैर कांग्रेसी है। अब कौन कौन सी है आपको पता है? गैर कांग्रेसी है, गैर कांग्रेसी बताऊं कैसे? चलो अभी बताता हूँ, देखो जयनारायण व्यास, ये सबसे पहले ये कांग्रेस की सरकार थी, और भैरव सिंह शेखावत, ये एक तो हरिशंकर बाबड़ा, ये गैर कांग्रेस था। अशोक गहलोत, देखो ये नहीं हो सकता, वापस से अशोक गहलोत, 3 तो उसको सीधा निकाल दो, अशोक गहलोत वाला ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो कांग्रेस का था, और फिर ये 2 हो गए। ठीक है, पहली सरकार गैंग कांग्रेस की, 3 अशोक गहलोत के निकालो, 4, बाकी 3 बचे, जो 3 कौन से हो गए? गैर कांग्रेस सरकार के उप मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वैसे मंत्रिपरिषद को आर्टिकल, संवैधानिक प्रावधान हम लोगों ने अच्छे से पढ़े थे। अब एक चीज और इसमें मैं आपको लिखवा देता हूँ, वेतन भत्ता, वेतन भत्ता मंत्रिपरिषद को, मंत्रिपरिषद में या फिर विधानसभा में जो मंत्री हैं, विधायकगण, एमएलए हैं, उनको वेतन कौन देता है, कैसे देता है? आर्टिकल 164 का भाग जो खंड 5 कहता है, अनुच्छेद 164,
वेतन भत्ते का खंड पांच के तहत वेतन भत्ते जो दिए जाते हैं, इसमें सीधा लिखो आप, वेतन भत्ते कौन देता है? राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, राज्य की विधानमंडल उनको निर्धारित करती हैं। अगर राज्य की विधानमंडल उनको निर्धारित वेतन ना दे तो दो अनुसूचितों के तहत भी दिया जाता, तो वो बात आपको लिखनी नहीं है, क्योंकि आपको कहीं ऐसे भी याद हो जाएगा कि इनका हम कह सकते हैं विधान मंडल जो हम कह सकते हैं राज्य का राज्य विधानमंडल द्वारा ये जो वेतन भत्ते हैं इनको दिया जाता है। मंत्रिपरिषद का वेतन भत्ता कौन देता है? मंत्रिपरिषद का वेतन भत्ते की बात करें तो मुख्यमंत्री का वेतन कितना होता है? फिर बात करते हैं कैबिनेट मंत्री या विपक्ष का नेता है या मुख्य सचेतक है, और फिर राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की बात करें या मुख्य सचेतक है, या और क्या आता है, विपक्ष का नेता है, विपक्ष नेता, इनकी कितनी रहते हैं? सबका साथ लिखा दूंगा 65,000 रहती है। और इसके बाद में बात आती है राज्य मंत्री, कैबिनेट के बाद में आते हैं राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री के बाद में आते हैं उपमंत्री, उपमंत्री के बाद में आते हैं संसदीय सचिव, उपमंत्री के साथ में संसदीय सचिव, तो इसी में साथ में इतना सेम पेमेंट मिलता है, दोनों को साथ में लिख देते हैं संसदीय सचिव, जो मंत्रिपरिषद से अलग होता है, ठीक है। और इसमें लिख दो आप विधानसभा अध्यक्ष का वेतन, विधानसभा अध्यक्ष का वेतन कितना मिलता है भाई? विधानसभा अध्यक्ष को वेतन मिलता है 70,000 मासिक, और उपमंत्री और संसदीय सचिव को मिलता है 60,000। कितना मिलता है? मुख्यमंत्री को कितना मिलता है भाई? मुख्यमंत्री को 75,000, और ये जो है कैबिनेट मंत्री इनको मिलता है 65,000, राज्य मंत्री को कितना मिलता है? 62,000, और संसदीय सचिव इनको 60,000, और विधानसभा अध्यक्ष जो सभापति होता है, सभापति मतलब सभापति मंत्रिपरिषद में होता है, इसमें अध्यक्ष होता है 70,000। तो लिख लो इनका भी, इसका कितना होता है, मुख्यमंत्री को पैसा कितना दिया जाता है सैलरी? 75,000 मासिक, और कैबिनेट मंत्री को दिया जाता है 65,000, और राज्य मंत्री को दिया जाता है 62,000। थर्ड ग्रेड की जितनी सैलरी नहीं इनकी लेकिन ये काम ऊपर का मामला सेट करते हैं, इसलिए इनको सैलरी की जरूरत नहीं होती, सैलरी तो ये निकालते नहीं है, सैलरी इनको क्यों निकालनी है। फिर एक चीज और हम बात कर लेते हैं, मंत्री परिषद की संरचना की बात कर लेते हैं, फिर आज का सेशन खत्म हो जाता है, यानी हमारा मंत्री परिषद का जो टॉपिक है यही पूर्ण हो जाएगा। नॉर्मल में इसके बारे में बात कर लेते हैं, मंत्री परिषद की संरचना लिखो फिर आप, मंत्री परिषद की संरचना, थोड़ी जगह छोड़नी पड़ेगी नीचे,
ये कौन हो गए? संसदीय सचिव। देखो इसमें सीएम हो गया, मंत्री और राज्य मंत्री, सीएम कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री और उपमंत्री। देखो ये तो कौन है? मुख्यमंत्री। हेडिंग लगो मंत्रिपरिषद की संरचना, मंत्रिपरिषद की ये चीज़ बहुत जाननी जरूरी है कि संरचना। वैसे मैंने आपको हर बार हर पार्ट में बताया है आपको हर बार क्लास में, लेकिन जानो आप मुख्यमंत्री यानी जो ये क्या है, पूरी एक मंत्रिपरिषद है। ये क्या है? मंत्रिपरिषद पूरी क्या है? मंत्रिपरिषद, जिसमें कौन कौन शामिल होता है? इसमें पहली ऊपर की कड़ी मुख्यमंत्री की, दूसरी जो कड़ी है ये आती है कैबिनेट मंत्री की, ये कौन है इसमें? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री समझ में आ गया? इसके बाद में इसमें एक स्वतंत्र प्रभार वाले, ये है राज्य मंत्री। कौन है? राज्य मंत्री। इसमें है राज्य मंत्री और ये है उपमंत्री। इसमें लिख दो संसदीय सचिव, संसदीय सचिव जो कि मंत्रिपरिषद से अलग होता, थोड़ा उसमें शामिल नहीं होता। मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होता है इसमें? देखो आप बात कर सकते हैं मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर आता है उपमंत्री। अब इसमें एक बात आती है कि राज्य मंत्री जो है इसमें, देखो मुख्यमंत्री कौन होता है? पूरी मंत्रिपरिषद का प्रधान हो गया, विधानसभा का मानो। तो कैबिनेट मंत्री उससे थोड़ा नीचे, इनको बड़े हम कह सकते हैं जो विभाग है वो इनको दिए जाते हैं, बड़े विभाग जैसे शिक्षा मंत्री है राजस्थान का, वित्त मंत्रालय है, इस प्रकार से जो भी है, चिकित्सा मंत्री है ना, ये बड़े पद जो है ये किसको दिए जाते हैं? राज्य के अंदर कैबिनेट मंत्री को। तो ये एक स्वतंत्र मंत्री कहलाता है। फिर राज्य के अंदर दो प्रकार के मंत्री होते हैं, कौन कौन से? एक तो होते हैं देखो स्वतंत्र प्रभार वाले, एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री वाले राज्य मंत्री। एक कौन से होते? एक होते अधीन, अधीन कार्य करते, अधीन किसके होते? स्वतंत्र प्रभार वाले जो है कार्य राज्य मंत्री है, इनके पास में जो विभाग इनको दिए जाते हैं उनका अध्यक्ष ही स्वयं होते हैं, है ना, और ये स्वतंत्र खुद कार्य करते। लेकिन जो दो कड़ी है इसमें, आधे जो राज्य मंत्री है वो अधीन कार्य करते कैबिनेट मंत्री के, किसके अधीन कार्य करते हैं? कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। और इनके इनको जो विभाग दिए जाते हैं उनका अध्यक्ष कौन होता है? कैबिनेट मंत्री होता है। इनका विभागों के जो अध्यक्ष कौन होता है? स्वतंत्र, ये स्वयं होते हैं। और इनके इनको जो विभाग दिए जाते हैं उनका हम कह सकते हैं अध्यक्ष है वो कैबिनेट मंत्री होता है। फिर बात आती है उपमंत्री की। उपमंत्री है जो हमेशा राज्य मंत्री के अधीन कार्य करता है, किसके? ऊपर वाली कड़ी है नहीं, राज्य मंत्री के अधीन कार्य करते हैं उन राज्य मंत्री के अधीन जो स्वतंत्र प्रभार वाले हैं, क्योंकि इनके अधीन थोड़ी करते हैं ना। और एक होता है नीचे अलग से कड़ी आप बना दो इनकी, संसदीय सचिव। समझ में आ गया? मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? पूछ सकते हैं आपसे प्रश्न कि मंत्रिपरिषद में इनमें से कौन शामिल नहीं होता है, तो आप में इनमें से कोई दे सकते हैं आपको, या इनमें से कौन शामिल है, इनमें से कोई एक नाम देगा आपको,
कि इनमें से कौन मंत्रिपरिषद में शामिल है। अब एक चीज आती है, मंत्रिमंडल किसे कहते हैं, ये पूरी क्या है, मंत्रिपरिषद है। अब ये एक हो गई यहां से यहां तक, ये मंत्रिमंडल कहलाता है। मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल है, मुख्यमंत्री व कैबिनेट मंत्री, कौन है, मुख्यमंत्री व कैबिनेट मंत्री से मिलकर के क्या बनता है, मंत्रिमंडल बनता है। ये बात समझ में आ गई, मुख्यमंत्री व कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल होता है, बल्कि मंत्रिपरिषद में चार कड़ी होती है, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। सेम केंद्र के अंदर होता है, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, सेम। उसमें भी मंत्रिमंडल के अंदर कैबिनेट और मुख्यमंत्री होता है। तो प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। और ये स्वतंत्र नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते, ये राज्य मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, बस यही था, इसके बारे में लिखना नहीं है, ये बना लो आप स्ट्रक्चर, अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूं। मंत्रिपरिषद में आप मंत्रियों की जो प्रकार की अगर बात करें तो इसका उल्लेख संविधान में कहीं नहीं किया गया, जबकि ये राज्य सरकार का कार्य संचालन के लिए एक कुछ नियमों का निर्माण किया गया है, उस नियमों के द्वारा राज्य की हम कह सकते हैं शासन व्यवस्था चलाई जाती है। समझ में आ गए। फिर बात आती है कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री के बारे में आपको पता है, कैबिनेट जो मंत्री है वह राज्य सरकार के बड़े जो विभाग है, राजनीतिक, उनका राजनीतिक अध्यक्ष होते हैं। और मंत्रिपरिषद में सबसे शक्तिशाली मंत्री कहलाते हैं कौन, कैबिनेट मंत्री। ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं कि मंत्रिपरिषद में सबसे शक्तिशाली जो मंत्री कहलाते हैं वो कौन कहलाते हैं, उसमें मुख्यमंत्री मत कर देना, कैबिनेट मंत्री होता है। मुख्यमंत्री भी तो एक मंत्री है एक प्रकार का, लेकिन वो सबका मुखिया है ना। कैबिनेट का गठन कौन करता है, मुख्यमंत्री व कैबिनेट मंत्री से, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट का गठन होता है। फिर बात आती है राज्य मंत्री, राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र राज्य मंत्री, और इनके पास में हम बात करें तो विभाग जो होते हैं उनका विभागाध्यक्ष, या फिर हम कह सकते हैं विभाग का जो राजनीतिक अध्यक्ष कौन होता है, प्रशासनिक अधिकारी की तो बात मत करो आप, प्रशासनिक का सौदा इनके बस का नहीं होता है, प्रशासन का काम संभालना वो ट्रेनिंग अफसर ही होते हैं ना। जैसे राजस्थान के अंदर बात करें तो मुख्य सचिव है, वो राजस्थान का सबसे बड़ा सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कहलाता है, कौन होता है, मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी जिसे कहते हैं, चीफ सेक्रेटरी का आईएएस हम कह सकते हैं 10 साल का जिसके पास में एक्सपीरियंस होता है वही मुख्य सचिव बनता है। तो राज्य मंत्री जो कुछ राज्य मंत्री ऐसे होते हैं जिनके पास में जो राजनीतिक अध्यक्ष वो स्वयं होते हैं और स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। जैसे वर्तमान में न्याय एवं कल्याण मंत्री कौन है, केंद्र की बात करें तो अर्जुन राम मेघवाल है, वो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री बने हैं। कानून मंत्री ना, कानून न्याय उनके पास में मंत्रालय। और कुछ अधीन मंत्री जो होते हैं इसके पास में कोई स्वतंत्र विभाग नहीं होता है, ये कैबिनेट मंत्री के, राज्य मंत्री नहीं, ये कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं, और राज्य मंत्री के अधीन कार्य करते हैं उप मंत्री। ठीक, उप मंत्री ये सदैव राज्य मंत्री के अधीन रह करके कार्य करते हैं, इनके पास में कोई विभाग स्वतंत्र रूप में है जो कि इनके पास में कार्य करने के लिए नहीं मिलता है। संसदीय सचिव की बात करें तो ये मंत्रिपरिषद का भाग नहीं होता है, ये मंत्रिपरिषद का भाग नहीं होता है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये गैर संवैधानिक पद है, कैसा पद है, गैर संवैधानिक पद है। इनकी नियुक्ति हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है, शपथ भी मुख्यमंत्री दिलाता है संसदीय सचिव को। इनको वेतन भत्ते उप मंत्री की तरह दिए जाते हैं, इनको वेतन भत्ते कौन किस की तरह दिया जाता है, उप मंत्री की तरह ही दिया जाता है। उप मंत्री और संसदीय सचिव को किस वेतन दिया जाता है, 60,000 प्रत्येक माह, 60,000 प्रत्येक माह के अंदर दिया जाता है। ठीक है, एक दो बात अपन कर लेते हैं मौखिक रूप से, यानी संसदीय जो सचिव है मंत्रिपरिषद की बैठकों में भाग नहीं लेता है। देखो ये मंत्रिपरिषद ये अलग है, इसमें मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसमें संसदीय सचिव
भाग नहीं लेता है, ये एक अलग कड़ी है इनकी, बिल्कुल इनका अलग रोल रहता है। अगर वह विधानसभा का सदस्य नहीं हो तो वो बिल्कुल नहीं ले सकता है। और मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या है कि हम कह सकते हैं अलग अलग फर्क समझ सकते हैं, तो ये भी हम लोगों ने वैसे बात कर ली है, कोई इसमें लिखने वाला बात है नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ में दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का क्या हमारा 10 दिन से चल रहा है टॉपिक मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद का ये टॉपिक हमारा संपूर्ण हो गया है। और इसी के साथ में आपको भी बधाई और मुझे भी, फिर एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, कौन सा करते हैं आप बताएं। तो मेरे ख्याल से छोटा टॉपिक है कि सचिवालय मुख्य सचिव वो पढ़ते हैं पहले, इसके बाद में ना। तो इसी के साथ में आज के सेशन को यहीं पर पूर्ण करते हैं, तब तक के लिए राम राम।